माध्यम से और आपको भी और आपके माध्यम से जनपद लखनऊ के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। जनपद लखनऊ ने रिकॉर्ड वोटिंग की है और अगर मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं कि पहली बार लखनऊ वोटिंग में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त हुआ है तो यहां के सम्मानित नागरिकों और मतदाताओं के कारण ही हुआ है। और साथ ही साथ मैं मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे अभियान को आपने किया कि हम रिकॉर्ड वोटिंग इस बार लखनऊ में करना है। लखनऊ के हमारे 4062 बूथों पर 9 विधानसभाओं में कल 23 तारीख को 100% सक्सेसफुल चुनाव संपन्न हुआ है और आयोग के मानकों के अनुरूप जो हमारी स्ट्रांग रूम है उनका प्रिपरेशन, उसमें 100% सारे EVMs जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज और माननीय ऑब्जर्वर्स उनके सामने इस चीज़ को सील भी कर दिया गया है और जो मानक है उसके अनुरूप यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। अंदर की सुरक्षा पैरामिलिट्री देखती है, उसके बाद बीच की सुरक्षा और आगे की सुरक्षा पुलिस के द्वारा देखा जाता है, तो इस व्यवस्था को सुनिश्चित भी किया गया है और आज मानकों के अनुरूप स्क्रूटनी भी प्रचलित है। थैंक यू। यूपी इलेक्शन वॉच ADR आज अपने छठवें चरण की रिपोर्ट जारी कर रहा है। छठवें चरण की रिपोर्ट हमें बताती है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव के चरण बढ़ते गए उसी तरह से अपराधी और बाहुबली प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। छठवें चरण में अगर हम देखें तो 27% दागी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है और गंभीर बात यह है कि 23% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति की छवि है, जिन्होंने अपने शपथ पत्र में जो अपने ऊपर मुकदमों का हवाला दिया है उसके आधार पर यह तस्वीर सामने निकल के आ रही। आश्चर्यजनक बात यह है कि महिलाओं के प्रतिशत में गिरावट हमें देखने को मिल रही। छठवें चरण में मात्र 10% महिलाओं का प्रतिशत रह गया है। जब हम आधी से अधिक आबादी की हम बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, संसद में और लोकसभा से लेकर और विधानसभाओं तक ये बात होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन हालात ये है कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने के प्रति जो एक तरह से अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं कि जिसके कारण 10% ही महिलाओं की प्रत्याशा देखने को मिल रही है। पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करें तो तकरीबन 35% लोग ऐसे हैं जो 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हैं। जब देश में इस तरह से 21वीं सदी में शिक्षा के स्तर पर इतना विकास है, फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि इतनी कम योग्यता के साथ चुनाव के मैदान में, तो ये तमाम सारे पहलू हैं जिन पे बहुत अधिक गौर करने की ज़रूरत है। इस बार हमारे इलाके में बहुत बड़ी संख्या में संवेदनशील, अगर हम देखें तो 60% से ऊपर संवेदनशील विधानसभाएं हैं। संवेदनशील विधानसभाएं उनको माना जाता जहां पर 3 से अधिक दागी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। निश्चित तौर से ADR की ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए राजनीति में अच्छे और सच्चों को लाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस ADR की मुहिम, ADR की अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, राजनीति में साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी आएं, इस मुहिम को अपना संबल दें, समर्थन दें और इसको आगे बढ़ाएं। हम आप सबसे पुनः अपील करते हैं कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, प्रसार करें, अच्छों को चुन के राजनीति के स्तर पर भेजने की कोशिश करें। धन्यवाद।